हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल टेल। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीनिट फाउंडेशन में फिजिक्स का स्टैंडर्ड 7। वैसे तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड 6 में भी जीनिट फाउंडेशन का कोर्स पढ़ा था, और अब आप स्टैंडर्ड 7 में भी जीनिट फाउंडेशन का ही कोर्स पढ़ोगे और उसमें सब्जेक्ट फिजिक्स। वैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ये जीनिट फाउंडेशन क्यों रखा है हम लोगों ने ये नेम। बिकॉज बच्चों, उसके पीछे का भी रीज़न है कि जब आप अगर 10th के बाद साइंस लेते हो 11th 12th में, तो फिर साइंस में दो स्ट्रीम्स होती है, एक होती है ए ग्रुप और दूसरा होता है बी ग्रुप। जब आप ए ग्रुप में जाते हो तो आपको इंजीनियरिंग करनी होती है, मतलब कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप लोग ए ग्रुप में जाते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है या फिर फिजियोथेरापिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है, तो फिर आप बी ग्रुप में जाते हो। और बी ग्रुप में बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होता है और ए ग्रुप में मैथ्स मेन सब्जेक्ट होता है। तो और इंजीनियरिंग की कोई भी टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आपको जी की एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है। क्या, किसकी एग्जाम? जी, जो यहाँ पर है ना, JEE, जिसका नाम है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और उसी तरह से अगर बायोलॉजी में अगर आपको मतलब कि डॉक्टर बनना है तो फिर आपको नीट की एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है, नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और ऐसा जिसका नाम है भाई नीट, जिसका नाम है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट, जो कि डॉक्टर बनने के लिए ये एग्जाम दी जाती है। तो हम लोग आपको अभी से ही इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, ताकि जब आप उस स्टेज पे पहुंचो तो आपको ये एग्जाम्स काफ़ी ईजी लगे। वैसे तो एग्जाम काफ़ी टफ होती है, बट हम लोग अभी से ही इतनी कोशिश करेंगे कि आपको ये एग्जाम तब जब 11th 12th में देने जाओ तो आपको ये एग्जाम इजी लगे। तो चलिए इसी के साथ ही स्टैंडर्ड 7 में फिजिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं भाई, जिसका नाम है हीट। क्या है चैप्टर का नाम? हीट। क्या आप लोग पता है भाई हीट क्या होती है? हाँ सर, हमने ये वर्ड काफी सुना है समर में, कि समर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है चारों ओर, तो लोग कहते हैं कि हीट काफी ज्यादा है। या फिर आप लोगों ने एक दूसरा वर्ड सुना होगा टेम्परेचर, कि लोग बोलते हैं कि आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 44 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है। सर ये सब वर्ड्स हम लोगों ने सुने तो है, बट इनका मतलब क्या होता है ना वो हमें नहीं पता। तो हम लोग इस चैप्टर में हीट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि हीट क्या होती है, उसको नापा कैसे जाता है, फिर ये हॉटनेस क्या होती है, ये कोल्डनेस क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। तो भाई क्या है यहाँ पर हमारे पास है भाई, व्हाट इज हीट? भाई हीट क्या है? अब अगर अब मैं आपको जनरल एग्जांपल्स दूँ तो आप लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी, ऑफ कोर्स खाई होगी भाई। अगर हम क्या करेंगे, अब आइसक्रीम को फ्रिज में से निकालेंगे और बाहर रख देंगे, या फिर फ्रिज में अगर बर्फ पड़ा है तो बर्फ को निकाल लेंगे और बाहर रख देंगे, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि सर थोड़ी देर बाद जो आइसक्रीम है ना वो पिघल कर पानी जैसी हो जाएगी, और बर्फ तो पानी ही बन जाएगा पिघल कर। तो मतलब कि यहाँ पर कुछ हुआ, अब जो बर्फ था वो सॉलिड फॉर्म में था और वो पिघल कर लिक्विड बन गया, मतलब कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। इतना हमें समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, बट कुछ तो हो रहा है। सेम टू सेम चीज़ अगर हम लोग जो चाय होती है, गरम गरम चाय हम सुबह पीते हैं भाई, अगर चाय को सुबह सुबह पिए नहीं और बाहर ऐसे ही रख दे तो क्या होगा, वो ठंडी हो जाती है। या फिर अगर हम लोग पानी को गर्म करें और फिर उसको गैस पर से उतार ले और ऐसे ही रख दे तो क्या होगा, वो पानी वो ठंडा हो जाता है। मतलब कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी है और अगर उसे खुले में रख दे तो वो गर्म हो जाती है। समझ में आ रही है बात यहाँ पर आपको? आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ठंडा था, वो पिघल गया, मतलब वो गर्म हो रहा है। और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ हम लोग बाहर रख दें तो क्या होता है, वो ठंडी हो जाती है। मतलब कि ये जो बाहर, मतलब कि ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा एनवायरनमेंट, वहाँ पर अगर हम कोई भी चीज़ रखें तो उसकी हीट में या उस या फिर जो हॉटनेस या कोल्डनेस है उसमें कुछ चेंजेस हो रहा है, इतना हमें पता चल रहा है यहाँ पर। क्या चेंजेस हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे आगे, बट अभी ये जनरल बेसिक आइडिया था कि हीट बेसिकली होती क्या है, मतलब कि हॉटनेस क्या है, कोल्डनेस क्या है, और एनवायरनमेंट के साथ वो कैसे रिलेटेड है, ये भी सही है। चलो देखते आगे, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसके बारे में।
एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। चलो प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग तीन बड़े ग्लास लेंगे, या ग्लास नहीं मिल रहे तो आप बड़े कटोरे ले लो तीन। क्या करना है, एक कटोरे में बर्फ वाला बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी लेना है, फिर दूसरा कटोरा लेना है उसमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट एटलीस्ट आप लोग हाथ डाले तो आपको गर्म लगना चाहिए, इतना गर्म तो होना चाहिए एटलीस्ट, बहुत ज़्यादा गर्म मत करना वरना फिर आपका हाथ जल जाएगा। तो फिर उतना गर्म पानी लेना, फिर एक थर्ड कटोरा लो या फिर ग्लास लो, कुछ भी लो, और उसमें क्या करो, इन दोनों पानी को मिक्स करके डाल दो। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो डाल दिया। अब आप क्या करोगे, अपना जो राइट हैंड है ना वो बर्फ़ वाले ग्लास में या फिर कटोरे में डालोगे। डाला, ये रहा मेरा राइट हैंड और ये देखो ये मैंने डाला। और मैं क्या करूँगा, अब जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसको मैं इस गर्म पानी में डालूंगा। बहुत ज़्यादा गर्म मत करना वरना तुम्हारा ये हाथ जल जाएगा। ये डाला मैंने गर्म, मेरा लेफ्ट हाथ गर्म पानी में और मेरा राइट हैंड है ठंडे पानी में। ओके, अब इसको ऐसे ही 2 मिनट तक रहने दो। चलो मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे ही। अरे भाई मैं तो ऐसे 2 मिनट नहीं खड़ा रहूंगा, लेकिन आपको खड़े रहना है। फिर क्या करूंगा, ये इन दोनों हाथ को ये जो बीच वाला जो कटोरा है यानी फिर ग्लास है उसमें डालूंगा। अब क्या होता है, अब जो होगा ना वो देखने वाली बात होगी। अब जैसे ही दोनों हाथ डालोगे बीच वाले कटोरे में तो क्या होगा, जो आपका राइट हैंड है जो अब तक बर्फ वाले ग्लास में था वो आपको बोलेगा कि ये जो पानी है वो गर्म है, मतलब कि ये ज्यादा हॉट है। और आपका जो लेफ्ट हैंड है कि जो अब तक गर्म पानी में था वो जब इसमें डालोगे बीच वाले में तो वो बोलेगा कि नहीं ये जो पानी है वो ठंडा है। क्या आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया? अभी ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। इस हाथ को भी इसमें डालो बीच वाले में, ये लेफ्ट हाथ को भी बीच वाले में डालो और फिर दोनों को महसूस करो। हुआ ना ऐसा? होगा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो है, हम ह्यूमंस, वो हीट को अच्छी तरह से नाप नहीं सकते अपने आप, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड बोल रहा है कि ये पानी ठंडा है और जो राइट हैंड है वो बोल रहा है कि ये पानी गर्म है, बट हमें तो पता है कि ये जो पानी है वो तो रूम टेम्प, मतलब कि एकदम नॉर्मल अवस्था में है, वो ज़्यादा गर्म भी नहीं है और वो ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बट हमारा एक हाथ बोल रहा है कि वो ज़्यादा ठंडा है और एक हाथ बोल रहा है कि वो ज़्यादा गर्म है, मतलब कि हमारे दोनों हाथ झूठ बोल रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई हम ह्यूमंस है, पहले पानी ये हाथ जो था वो ठंडे पानी में था, तो अगर डायरेक्ट उसको इस पानी में डालोगे तो वो तो यही बोलेगा ना कि भाई वो गर्म है, और ये जो हाथ था वो गर्म पानी में था, अगर उसको इसमें डालेंगे तो वो तो यही बोलेगा ना कि ये ठंडा है, बट वो है नहीं। तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे कि हीट को नापने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट बना देंगे, और वो यूनिट ऐसा होगा कि हम चाहे यहाँ पर हो, यानी कि आप अपने घर में हो या बाहर चले जाओ या फिर किसी और देश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो जो यूनिट होगा वो हमेशा सेम रहेगा। याद करो सिक्स स्टैंडर्ड में हम लोगों ने लेंथ में ऐसा किया था, मास में भी ऐसा किया था कि लेंथ का यूनिट रख दिया था मीटर या फिर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर कितना होता है? इतना। लेकिन एक सेंटीमीटर इतना होता है बट वो हर एक जगह इतना ही होता है, मतलब कि आप दुनिया के चाहे इस छोर पे हो या उस छोर पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक सेंटीमीटर इतना ही रहता है हर जगह। इसी तरह हम लोग हीट में भी ऐसा यूनिट डिफाइन करेंगे कि जिससे क्या है कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है उसका पता हमें चल सके, ताकि ये क्या नहीं है, जो हाथ वाला चक्कर था भाई वो तो नहीं होगा, क्योंकि एक हाथ बोल रहा है गर्म है, एक हाथ बोल रहा है ठंडा है, तो हमें इस तरह से अगर हर जगह हीट नापने जाएंगे तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज़ सही में ठंडी है या गर्म है। तो इसी वजह से यूनिट्स डिफाइन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हम लोग यहाँ पर हीट का यूनिट डिफाइन करेंगे, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए हीट का जो यूनिट है ना उसको कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं उसको? टेम्परेचर। ये देखो यहाँ पर लिखा है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में भी वो मीटर की तरह, मतलब कि लेंथ में क्या था कि एक मीटर, एक सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हम लोगों ने लेंथ में भी डिफाइन किए थे, उसी तरह से हम लोग हीट में एक डिफाइन किया टेम्परेचर।
अब उसमें भी अलग अलग स्केल्स होंगी, एक स्केल में सेल्सियस है, केल्विन है, फिर फेरनहाइट है, ऐसी अलग अलग स्केल्स है। हम लोग उन स्केल्स को भी अच्छे से स्टडी करेंगे, बट अभी आप इतना याद रखो कि हीट को टेम्परेचर से नापा जाता है, कि अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कम है तो वो चीज़ काफ़ी ठंडी है, जैसे कि बर्फ हो गया, आइसक्रीम हो गया, या फिर विंटर सीजन में लो बहुत ज़्यादा ठंड लगी रहती है। फिर अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि अगर समर में हम जाते हैं तो समर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम बोलते हैं कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है। कैसा है? हाई, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऐसा। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हॉटनेस ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है, और जब टेम्परेचर कम होता है तब कोल्डनेस ज़्यादा होती है, कोल्डनेस, और टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। इसीलिए विंटर में टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, जैसे कि विंटर में नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है कभी कभी, और समर में 44 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये सेल्सियस क्या होता है, बट ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे आगे। अब टेम्परेचर हो गया इसका यूनिट, किसका? हीट का। अब याद करो हम लोगों ने सेकंड स्लाइड में, हाँ शायद सेकंड स्लाइड में हम लोगों ने कुछ नोटिस किया था कि जब हम आइसक्रीम को खुले में रखते हैं तो क्या होता है, वो पिघल जाती है। मतलब कि आइसक्रीम में से ऐसा तो कुछ हो रहा है, आइसक्रीम के साथ ऐसा कुछ हुआ कि जिससे उसने अपनी कोल्डनेस गवा दी और वो हॉट हो गया। समझ रहे हो बात को? और ऐसा ही पानी के साथ हुआ था, मतलब कि चाय के साथ भी हुआ था, कि उसने ऐसा कुछ किया, मतलब हमने जब उसको खुले में रखा तो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसने अपनी हॉटनेस गवा दी, उसने अपनी हीट गवा दी। क्या? अपनी जो हीट थी वो गवा दी। तो चलिए वो देखते हैं कि एक्चुअली में वहां पर हो क्या रहा था। तो देखो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कि क्या, जो हीट है वो एक एनर्जी का ही स्वरूप है। अब सर ये एनर्जी क्या है पता नहीं आपको? अरे यार, हम लोग अपना जो डेली रूटीन वर्क करते हैं, कुछ भी काम, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए भाई, मुझे कुछ भी करना है, काम करना, मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ अपने हिला रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या चाहिए भाई? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी मुझे कहाँ से मिलती है? बेसिकली मैं जो खाना खाता हूँ उससे मुझे एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी क्या है कि जिससे सब कुछ होता है, समझ में आ रही है बात? एनर्जी एक ऐसी चीज है कि जिससे सब कुछ होता है। मैं अपने हाथ हिला सकता हूँ, बोल सकता हूँ, ये टीवी भी चल रही है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एक एनर्जी है। यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है, वो भी क्या है? एनर्जी है। आप लोग अपना फोन चला रहे हो, उसमें भी क्या होती है? एनर्जी होती है। तो हमारे आसपास सारी चीज़ों में एनर्जी होती है, सारी चीज़ें मूव करती है या फिर कुछ भी करती है, उसका रीज़न बेसिकली होता है एनर्जी। तो ये जो अपनी हीट है, हमारी हीट, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ से शायद समझ रहे हो कि वो जो सेकंड स्लाइड में आइसक्रीम पिघल रही थी वो क्यों पिघल रही थी। सर ये सोचते हैं वो क्यों पिघल रही थी। सर ऐसा कुछ हो सकता है कि आइसक्रीम में बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी और वो निकल रही है बाहर। अच्छा, आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि आइसक्रीम में एनर्जी थी और वो बाहर निकल रही है। ओके, तो फिर मुझे ये बताओ कि वो जो चाय थी वो क्यों ठंडी हो रही है? चलो बताओ बताओ, वो कैसे हो रहा है? तुम बोलो बोलो, क्या आपको नहीं आता? चलिए मैं समझाता हूँ क्या होता है। जब किसी भी चीज़ में हॉटनेस ज़्यादा होती है, मतलब कि हीट ज़्यादा होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि उस चीज़ की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात? हीट मतलब कि हीट ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा है, क्योंकि हीट क्या है भाई? फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। तो हीट हमेशा ऐसी जगह पर फ्लो करती है कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से वो टेम्परेचर जहाँ पर कम है वहाँ पर जाती है। हीट कैसे फ्लो करती है? देखो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोस फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। हीट हायर टेम्परेचर वाली जगह से लोअर टेम्परेचर वाली जगह पे फ्लो करती है, ट्रैवल करती है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि आइसक्रीम जो थी वो ठंडी थी, उसमें हीट कैसी थी? कम थी, उसका टेम्परेचर कैसा था? कम था।
तो हीट वहां से बाहर नहीं जाएगी बल्कि एटमॉस्फेयर यानी कि एनवायरनमेंट जो हमारा है वहां से हीट अंदर जाएगी। समझ में आ रही है बात यहाँ पर आपको? हाँ भाई आ रही है समझ में। और जो हमारी जो चाय थी या फिर टी या फिर गर्म पानी उसमें क्या हो रहा था उस केस में कि वहां पर हीट थी और वो उड़कर बाहर आ रही है। बाहर मतलब कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में आ रही है। तो एक केस में से हीट बाहर निकल रही थी और दूसरे केस में हीट अंदर जा रही थी। क्या ये आपको ये लॉजिक समझ में आया कि क्या हो रहा था? जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल रखा है, ये है ना वो बहुत ज्यादा गर्म पानी है, देखो इसमें से भाप निकल रही है और यहां से ये देखो हीट फ्लो कर रही है और वो कहाँ जा रही है? ठंडे पानी में। ये काफी ज्यादा ठंडा पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, बर्फ वाला पानी। ये डिग्री सेल्सियस भूल जाओ भाई। यहां से हीट निकल रही है और यहां पर जा रही है। दिखाई दे रही है आपको हीट? अच्छा, तो हीट कहां से निकलती है? हायर टेम्परेचर से। और कहां पर जाएगी? लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट में। हायर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से निकलेगी और लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट में जाएगी। और अच्छा, उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल भी है हमारे पास। हमारे पास है सन। अच्छा, समर में हम जब छत पे खड़े रहते तो क्या होता है? हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। अगर समर में भी क्या, हम विंटर मानसून कोई भी सीजन ले लो, अगर छत पे खड़े रहेंगे दोपहर के टाइम पे सन के नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। उसका रीज़न क्या होता है भाई? वैसे तो सन यहाँ से काफ़ी बहुत ज़्यादा दूर है, लाखों माइल्स लाखों किलोमीटर्स दूर है हमारे यहाँ से, फिर भी उसकी गर्मी हमारे तक पहुँचती है। वैसे हम ये जो गर्मी वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचती है वो भी समझेंगे आगे, बट ठीक है कि जो सन होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ही ज़्यादा हॉट है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और वहाँ से हीट जो होती है ना वो ट्रैवल करके हमारी अर्थ पे आती है। क्यों? क्योंकि हमारी टेम्परेचर का टेम्परेचर अर्थ सन के कंपेयर में काफ़ी कम है, तो यहाँ से हीट ट्रैवल कर हमारी अर्थ पर आती है। सन से हीट ट्रैवल होकर हमारी अर्थ पे आएगी। अच्छा, तो अब आप लोग ये भी पूछोगे कि सर हीट वहाँ से यहाँ तक आती कैसे पे? अरे भाई समझेंगे हम लोग, ये भी समझेंगे। पहले क्या समझना है आपको, ये चीज़ कि जो हीट है वो एक एनर्जी का ही फॉर्म है और हीट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है? हायर टेम्परेचर वाले रीजन से लोअर टेम्परेचर वाले रीजन में ट्रैवल करती है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर समझ में आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई आगे? टेम्परेचर, हाउ टू मेजर टेम्परेचर। भाई हम लोगों ने टेम्परेचर देखा था कि भाई टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज अ यूनिट ऑफ हीट। हीट का यूनिट क्या था भाई? टेम्परेचर। अब हम लोगों ने यह तो बोल दिया कि भाई जो टेम्परेचर वो हीट का यूनिट है, हमने ऐसा फिक्स कर दिया, बट अब उसको मेजर भी तो करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे? उसी के लिए तो है हमारे पास डिवाइस जिसका नाम है थर्मोमीटर। क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा है कभी? ऑफ कोर्स देखा है भाई। जब आप बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो तो वो एक बड़ा सा ऐसी ऐसा डंडा जैसा कुछ लेकर आता है, ये देखो यहाँ पर मैंने रखा है थर्मोमीटर जैसा कुछ, और वो आपके मुंह में डाल देता है। अरे भाई मुंह में नहीं डालता, वो जीभ के नीचे रखता है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना उसे डॉक्टर को पता चल जाता है। फिर आपने शायद ये थर्मोमीटर भी देखा हो, ये काफ़ी पुराना थर्मोमीटर है। वैसे आजकल के डॉक्टर्स तो सारे डिजिटल थर्मोमीटर ही यूज़ करते हैं जिसमें स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। बट ये पुराना वाला थर्मोमीटर भी है यहाँ पर। इसमें क्या होता था कि जो मर्क्यूरी होती है ना, मर्क्यूरी, उसको एक ट्यूब में डाल दिया जाता है और फिर उसको जब किसी भी बॉडी पर रखते हैं तो उस बॉडी की हीट की वजह से ये जो मर्क्यूरी है ना वो एक्सपांड होती है। ऐसे इसकी मैकेनिज्म भी हम देखेंगे, बट फिर भी ये जस्ट एक जनरल आइडिया था कि हम लोग थर्मोमीटर का यूज़ कर टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। चलो हमें ये पता चल गया कि हीट जो है उसका यूनिट होगा टेम्परेचर। हमें ये भी पता चल गया कि टेम्परेचर हम लोग थर्मोमीटर का यूज़ कर नाप सकते हैं। तो अब हमें स्केल्स डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई इतनी हीट है, इतनी भाई हीट लेंथ में तो नहीं होती बट फिर भी इतनी ही, इतनी अगर इतनी हीट है तो उसका उसको नंबर दे देंगे 2, अगर इतनी ज़्यादा हीट है तो उसको नंबर दे देंगे 4,
ठीक है ऐसा तो नहीं दे सकते, बट जस्ट फॉर एन, अब समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। हाँ तो अब इस तरह से अब स्केल डिफाइन करेंगे किसकी, टेम्परेचर की स्केल। चलिए वो करते हैं पहले। अब देखो बच्चों घबराना नहीं, अब जो आने वाला है ना वो थोड़ा टफ है, ये नहीं भाई तू आ जा। हाँ बस, अरे तू भी नहीं, अजा 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 आ गया। चलो टेम्परेचर स्केल्स क्या आप लोग ये देख सकते हो भाई? ऑफ कोर्स देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने तीन स्केल्स रखी हुई है, एक है सेल्सियस, एक है फेरनहाइट एंड एक है केल्विन। ये सारे सिंबल्स है, सेल्सियस को इस तरह से लिखा जाता है डिग्री सेल्सियस और उसका सिंबल है सी। फिर है फेरनहाइट स्केल जिसका सिंबल है एफ और उसका डिग्री फेरनहाइट। ये जो यहाँ पर आपको ये जो डॉट दिख रहा है ना इसको कहते हैं डिग्री, क्या कहते हैं इसको, डिग्री, डिग्री फेरनहाइट, डिग्री सेल्सियस। और थर्ड जो स्केल है वो है केल्विन और उसमें डिग्री हम लोग नहीं लगाते। अब क्यों नहीं लगाते ये मत पूछना भाई, ये मैं रूल्स मैं नहीं डिसाइड करता भाई, ऊपर से आए हुए हैं रूल्स ऑलरेडी डिसाइडेड है। हाँ तो चलो ये है सेल्सियस, फिर ये है फेरनहाइट और ये है केल्विन। अच्छा हम लोगों ने तीन नाम तो रख दिए भाई स्केल्स के, बट अब उसमें हम लोग असाइन कैसे करेंगे वैल्यूज को, मतलब कि उनको कुछ नंबर्स तो देने पड़ेंगे 1 2 3 4 5, तो लोग वो नंबर्स हम लोग कैसे देंगे, चलिए वो समझते हैं पहले। पहले समझते हैं सेल्सियस में। तो आज से करीबन 200 साल पहले बहुत बड़े बड़े, नहीं 200 नहीं शायद 300-400 साल पहले, याद नहीं मुझे अभी, बट 300-400 साल पहले बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग मिले और उन लोगों ने सोचा कि भाई हीट है बहुत ज़्यादा, आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारे पास नापने के लिए कुछ है भी नहीं, तो चलो स्केल डिफाइन कर देते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पहले लिया पानी और उसको जमा दिया, बर्फ़ बना दिया। पानी जब बर्फ़ बनता है उस टेम्परेचर को उन लोगों ने एक नेम दे दिया जिसका नाम दिया लोअर फिक्स्ड पॉइंट। पानी जिस टेम्परेचर पे बर्फ बनता है उसको नाम दे दिया गया लोअर फिक्स्ड पॉइंट और उसको एक नंबर भी असाइन कर दिया गया और वो नंबर था 0 डिग्री सेल्सियस। जीरो क्यों, क्योंकि उस टेम्परेचर पे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है और कोल्ड मतलब टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा, तो उसको क्या नाम दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस। अब उन लोगों ने क्या किया, पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दिया और पानी को गर्म करते करते जब पानी में से भाप निकलने लगी, क्या निकलने लगी, भाप निकलने लगी, तो उस टेम्परेचर को उन लोगों ने नाम दे दिया अपर फिक्स्ड पॉइंट। एक होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट और एक होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट। और जब पानी में से भाप निकलने लगती है उस टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, मतलब कि जो सेल्सियस वाली स्केल है वो 0 से 100 के बीच में वेरी कर सकती है, वैसे उसके आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है, बट बेसिकली जो इनिशियल जो था उसको एक डिफाइन जो करना था, मतलब कि कुछ तो नंबर देने ही थे कुछ दो पॉइंट्स को ताकि उसके रिस्पेक्टिव में बाकी नंबर्स हम असाइन कर सके। जैसे कि ये स्केल है भाई, ये एक थर्मोमीटर है, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर लग दिया 100 डिग्री सेल्सियस। अरे ये नहीं भाई, वो कहाँ गया, हाँ इरेजर चाहिए मुझे। हाँ और यहाँ पर नाम दे दिया उन लोगों ने 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, और बीच में क्या गया, इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर दिया सबको, मतलब कि यहाँ पर ले लो कि 100 तो फिर यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस, फिर ये हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 40 डिग्री सेल्सियस और ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, ये जो है वो बड़ा वाला। समझ आ रही है बात, इसको 0 बोल दो और इसको 100 बोल दो और बाकी का जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सिंपल। तो ये बन गई एक स्केल 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा एक थर्मोमीटर तैयार हो गया जो कि सेल्सियस में मेजर कर रहा है। सेल्सियस स्केल हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर में ले लो, हमारी जो वेदर फोरकास्ट होती है वो सारी हम लोग सेल्सियस में करते हैं। ये है सेल्सियस स्केल, वो काफ़ी इजी होते हैं इसलिए हम लोग डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस।
ये दोनों पॉइंट्स फिक्स होते हैं, लोअर एंड अपर, और उनके बीच में सब कुछ वेरी करता रहता है, स्केल में उनके बीच में सब कुछ वेरी कर सकता है। तो 0°C 100°C। अब बढ़ते हैं सेकंड स्केल की ओर। तो भाई सेकंड स्केल क्या है? सेकंड स्केल का नाम है भाई फारेनहाइट स्केल। क्या है भाई? फारेनहाइट स्केल। उसमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो था उसको नाम दे दिया गया 32°F। कितना? 32। अब आप लोग पूछोगे कि सर ऐसा ऑकवर्ड नंबर क्यों दिया इन लोगों ने? देखो फिर से एक बार बता दूंगा कि ये मैंने नहीं बनाया। पहली बार वो साइंटिस्ट लोग बैठे थे आज से 500 साल पहले, उन लोगों ने ये डिफाइन किया था, तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता और आप लोग भी नहीं जा सकते। तो आपको भी मानना पड़ेगा ये थे 32°C और उन लोगों ने फारेनहाइट स्केल के लिए अपर फिक्स्ड पॉइंट डिफाइन किया 212°F। समझ में आ रही है बात आपको? ऑफ कोर्स आ रही है। और फिर थर्ड जो है वो है केल्विन स्केल। उसमें क्या किया उन लोगों ने? जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, यानी कि कौन सा टेम्परेचर, बोलो भाई जल्दी बोलो, जिस टेम्परेचर पे पानी बर्फ बनता है वो टेम्परेचर, उसको 273 केल्विन नंबर दे दिया गया। और जिस टेम्परेचर पे पानी भाप बनना स्टार्ट हो जाता है, इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देता है पानी, उस टेम्परेचर को नंबर दे दिया गया 373 केल्विन। थक गया हो मैं काफी बोलते बोलते अब। तो सेल्सियस में 0°C और 100°C, फारेनहाइट में 32°F एंड 212°F, और केल्विन में 273 केल्विन एंड 373 केल्विन। लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट। कोई भी स्केल डिफाइन करनी हो तो पहले दो पॉइंट फिक्स कर दो, एक है लोअर फिक्स्ड पॉइंट और एक है अपर फिक्स्ड पॉइंट, और बाकी का जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ऐसा सेल्सियस में होता है, फारेनहाइट में ऐसा नहीं होगा, इक्वल पार्ट्स में सब कुछ डिवाइड नहीं होगा, केल्विन में भी ऐसा नहीं होता है। क्यों? फिर से मैंने बोला मुझे मत पूछो भाई, साइंटिस्ट को पूछो, मुझे मत पूछो। हाँ बट मतलब कि यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है कि सेल्सियस में से फारेनहाइट में कन्वर्ट करो, फिर फारेनहाइट में से केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सेल्सियस डेली लाइफ में ज़्यादा यूज होता है, जबकि जो ये जो फारेनहाइट है, फारेनहाइट स्केल, वो डॉक्टर्स लोग ज़्यादा यूज करते हैं, बायोलॉजी वाले, बी ग्रुप याद करो। हाँ डॉक्टर जो होता है ना वो अपना टेम्परेचर आपका फारेनहाइट में नोट करता है। क्यों? मुझे नहीं पता। अरे मैंने बोला यार मुझे नहीं पता, वो साइंटिस्ट को पूछो, मुझे मत पूछो। हाँ तो जो फारेनहाइट है वो लोग डॉक्टर लोग ज़्यादा यूज करते हैं, और ये जो केल्विन स्केल है वो बड़े बड़े साइंटिस्ट ज़्यादा यूज करते हैं, या फिर कोई या कोई स्टार है, कोई प्लेनेट है, और कोई भी बड़ी केलेस्टियल बॉडी उसका टेम्परेचर जो है वो केल्विन में मेजर किया जाता है। किसमें? केल्विन में। समझ में आ रही है बात आपको? यहाँ पर आ रही है भाई। तो बस वैसे तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोगों ने 3 स्केल डिफाइन कर दी, हीट क्या है वो भी डिफाइन कर दिया, फिर उसका मतलब उसको मेजर कैसे करते टेम्परेचर वो भी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, और फिर 3 स्केल भी हम लोगों ने डिफाइन कर दी। तो कुछ बचा नहीं है आज करने के लिए, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने 3 स्केल्स डिफाइन किए उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तब तक हम लोग क्या करोगे, वो एक्टिविटी मैंने बोली थी ना, लेफ्ट हैंड कौन सा पानी था यहाँ पर, गर्म पानी था ना, हाँ गर्म पानी, और राइट हैंड ठंडे पानी में, फिर दोनों को मिक्स करो। हम कभी पता नहीं लगा सकते कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो रिलेटिव होता है काफ़ी। हाँ तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, और पढ़ाई करते रहो।